मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सभी का एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम सेकंड क्लास की हिंदी की बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है आह बैंगन वाह बैंगन। देखो, आह बैंगन और वाह बैंगन, जब भी हमारे घर पर कोई भी अच्छी चीज़ होती है या जो हमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो हमारे मुँह से आह शब्द और वाह शब्द निकलता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि वो सब्जी जब स्वादिष्ट लगी है बैंगन की, और बैंगन को वाह कहा गया है उसके स्वाद के कारण, इसीलिए इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन बादशाह अकबर खाना खा रहा था, उसके साथ बीरबल और दूसरे लोग भी थे। ये बात याद रखना बेटा कि बादशाह अकबर किसके साथ खाना खा रहे थे, बीरबल और दूसरे लोगों के साथ। वे भी खाना खा रहे थे। खाने में तरह तरह की चीज़ें थी, उनमें से एक सब्ज़ी बैंगन की थी। अकबर को वह सब्ज़ी पसंद नहीं आई। तभी अकबर ने देखा कि बीरबल बैंगन की सब्ज़ी को बड़े मज़े से खा रहा है। देखो बच्चों, जब हम सब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन के अंदर अनेक सारी चीज़ें उस समय जो है शामिल होती हैं। तो यहाँ पर अभी भोजन के टाइम का ही जिक्र किया गया है कि जब बादशाह अकबर और बीरबल और अन्य जो भी सभा के लोग होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, तब उनके पास भी अनेक तरह की सब्ज़ियाँ रखी होती हैं, जिनमें से एक सब्ज़ी बैंगन की थी जो बादशाह अकबर को पसंद नहीं आती है। और वो तभी देखते हैं कि जो बीरबल है वो उस सब्ज़ी को बड़े ही मज़े से खा रहे होते हैं। अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, बीरबल, यह बैंगन बहुत खराब सब्ज़ी है, तुम्हारा क्या कहना है? अकबर बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि बीरबल, यह बैंगन बहुत ख़राब सब्ज़ी है, तुम्हें यह सब्ज़ी कैसी लगती है, तुम अपने विचार बताओ। बीरबल बोला, आप ठीक कहते हैं हुजूर, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं करता। अकबर ने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। देखो, वैसे तो वो सब्ज़ी जो है बीरबल को बहुत अच्छी लग रही थी, वो उसे चाव से खा रहा था, लेकिन वो अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक है, और वो यही बात कहता है कि हाँ हजूर, आप सही कहते हैं, शायद तभी इसे लोग कम पसंद करते। बीरबल इतने पर ही नहीं रुका, वह बादशाह को खुश करना चाहता था, इसलिए बोला, हुजूर, बैंगन तो इतनी ख़राब सब्ज़ी है कि इसे गधे ही पसंद करते हैं। यहाँ पर बीरबल जो है अपने बादशाह को या अपने राजा को खुश करने के लिए बैंगन की सब्ज़ी की बुराई करता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर खुश हो गया। कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि अकबर रात को खाना खा रहा था तो बीरबल भी वहाँ था। उस दिन भी बैंगन की सब्ज़ी बनाई गई थी। उस दिन वह सब्ज़ी अच्छी बनी थी और अकबर उसे बड़े चाव से खा रहा था। अचानक उसे पुरानी बात याद आ गई। वह बोला, बीरबल, बैंगन बड़े कमाल की सब्ज़ी है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? देखो बच्चों, पहले तो जो महाराजा जो अकबर है वो बैंगन की सब्ज़ी को ख़राब कहते हैं, लेकिन अगले ही बार जब वो खाना खा रहे होते हैं, उसमें भी बैंगन की सब्ज़ी बनी होती है और उस दिन वो स्वादिष्ट होती है, जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं, तब वो सब्ज़ी की तारीफ़ करते हैं। फिर आगे अकबर क्या कहते हैं, बीरबल समझ गया कि बैंगन की सब्ज़ी शायद बादशाह को अच्छी लगी है, इसीलिए बादशाह को खुश करने के लिए उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, इसीलिए तो इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। देखो बच्चों, जो बैंगन की सब्ज़ी है उसे सब्जियों का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक मुकुट लगा होता है। जैसे राजा महाराजा सर पर जो ताज पहनते हैं उसे मुकुट कहा जाता है, उसी तरह जो बैंगन जो सब्ज़ी है उसके सर के ऊपर भी मुकुट की आकृति का ही
एक जो चीज़ होती है उसके शरीर का जो हिस्सा होता है वो चिपका होता है। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, क्योंकि इसके सिर पर मुकुट होता है। यह सुनकर अकबर को ध्यान आया कि सच में बैंगन के ऊपर एक मुकुट बना होता है। फिर उसे पिछली बात याद आ गई। वह बोला, लेकिन तुम्हें तो लगता है कि यह केवल गधों के लिए ठीक है। पिछली बार जब अकबर ने बीरबल से कहा था कि तुम्हें बैंगन की सब्जी कैसी लगती है, तब बीरबल ने कहा था कि महाराज, इस सब्जी को तो गधे भी पसंद नहीं करते, या गधे ही पसंद करते हैं। अब फिर अकबर कहते हैं कि तुमने ही कहा था ये इस बात के बारे में। बीरबल ने झुककर सलाम करते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं हुजूर, यही कारण है कि गधे इसे पसंद करते हैं। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़ा और बोला, बीरबल तुम बहुत चतुर हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपकी मेहरबानी है हुजूर। देखो, हुजूर जो शब्द है इसका प्रयोग किसी बड़े माननीय व्यक्ति के लिए कर किया जाता है, ठीक है। अब नीचे हमारे बुक के शब्दार्थ आते हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा शब्दार्थ है हुजूर, हुजूर का अर्थ होता है श्रीमान, या इंग्लिश में बोलते हैं सर। अगला है शायद, शायद का अर्थ होता है संभवतः। अगला हमारा शब्द है चाव, चाव का अर्थ होगा रुचि या इच्छा से। कमाल की का होता है बहुत अच्छी, बढ़िया या आश्चर्यजनक। अगला हमारा शब्द है मुकुट, मुकुट का अर्थ होता है ताज। सलाम का अर्थ होता है अभिवादन करना या नमस्ते करना। चतुर का अर्थ होता है होशियार या क्लेवर। मेहरबानी का अर्थ होता है कृपा करना, मेहरबानी का अर्थ क्या होता है? कृपा करना। अब हम अपना अगला जो है पेज उसको पलटेंगे। देखो जो ये यहाँ पर, अब बताओ तो जाने में क्या दिया गया है? श्रुत लेख दिए गए हैं। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर उन शब्दों को लिखना। आप सब पहले तो इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, और बाद में अपने घर पर जो भी बड़े हैं उन्हें ये कहना है कि आप ये शब्द बोले और हम इनको कॉपी में बिना देखे लिखते हैं, ठीक है। इनसे आपकी हिंदी लिखने की जो शक्ति है वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी और मात्राओं की गलती नहीं होगी। आगे हमारा है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल में हमारे किताब के प्रश्न उत्तर आते हैं। एक बार मैं आप सभी को ये याद करवा देती हूँ, बाद में ये लिख कर आपके पास भेज दिए जाएंगे इनके उत्तर। अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहा? अकबर ने, देखो हमने पीछे पाठ में पढ़ा है, अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए क्या कहा था? ये बैंगन की सब्जी बहुत ख़राब है। बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या कहा? बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या कहा? बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए क्या कहा था? कि हाँ महाराज, यह बैंगन बहुत खराब सब्जी है, इसे तो गधे ही पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा है? देखो, बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा है? क्योंकि इसके सिर पर मुकुट होता है। इसका उत्तर यह आएगा, ठीक है। आगे हमारा लिखित कौशल है, इसमें भी प्रश्न उत्तर है जो मैंने भर रखे हैं, आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लेना साथ के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, अकबर किसके साथ खाना खा रहा था? ये हमारी दूसरी लाइन, पाठ की दूसरी लाइन में ही था। बीरबल व अन्य लोगों के साथ खाना खा रहा था। पहली प्रश्न नंबर 2 है, पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी कैसी लगी? इसका उत्तर आएगा, अकबर को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं आई। प्रश्न नंबर 3 है, अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा? तो इसका उत्तर आएगा, बीरबल तुम बहुत चतुर हो। ये शब्द बातें किसने की थी? अकबर ने। अब हमारे ये आते हैं सही उत्तर पर हमें चिन्ह लगाने, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके बारे में देखेंगे। देखो पहला प्रश्न है, अकबर को कौन सी सब्जी पसंद नहीं आई? अब देखो इनमें आलू है, बैंगन है, गोभी है, तो इनमें से कौन सी सब्जी पसंद नहीं आई थी? बैंगन की, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, बैंगन को कमाल की सब्जी किसने कहा? अकबर ने, बीरबल ने, या एक दरबारी ने? किसने कहा था? अकबर ने। प्रश्न नंबर 3 है, बीरबल ने बैंगन को क्या बताया? तो इसके ऑप्शन हमारे पास है, सब्जियों का नौकर, सब्जियों का राजा, या सब्जियों की रानी। तो इसका उत्तर क्या आएगा?
सब्जियों का राजा। क्यों कहा गया था इसे सब्जियों का राजा? क्योंकि इसके सिर पर क्या होता है? मुकुट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने जो पाठ पढ़ा है अभी, उसके बारे में कई लाइनें दी गई है। हमें ये बताना है इसमें कि पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी और दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी। ठीक है, इनको क्रम वाइज लगाना है। मैंने पीछे इनके नंबर डाले हैं, देखो एक बार हम पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले क्या था कि पहले नंबर पर आएगा अकबर को वह सब्ज़ी पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पर पाठ के अंदर कौन सी लाइन थी? अकबर ने कहा बीरबल को, बीरबल यह बैंगन बहुत ख़राब सब्ज़ी है, तुम्हारा क्या कहना है? उसके बाद नंबर 3 पर इसमें लाइन आएगी, बीरबल बोला हुजूर बैंगन तो इतनी ख़राब सब्ज़ी है कि इसे गधे ही पसंद करते हैं। नंबर 4 पर इसमें आएगी, सबसे पहले नंबर पर जो है, कुछ दिन बाद अकबर बोला बीरबल बैंगन बड़े कमाल की सब्ज़ी है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और आखिरी में 5वें नंबर पर आएगी, बादशाह को खुश करने के लिए बीरबल ने कहा आप ठीक कह रहे हो हुजूर, इसीलिए तो इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, इस पाठ के आधार पर इन सभी लाइनों को हमने क्रम वाइज लगाया है। अब नीचे हमारे आते हैं, शहीद शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। इसके अंदर देखो, ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से छाँट कर हमें इसके अंदर भरना है। एक दिन खालिस्तान अकबर खाना खा रहा था, तो क्या आएगा? बादशाह अकबर। दूसरा है खालिस्तान, तुम ठीक कहते हो शायद, क्या आएगा? शायद तुम ठीक कहते हो। अब हम अपना जो अगला पेज है, अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है, उस दिन खालिस्तान अच्छी बनी थी, क्या बनी थी? सब्जी। नंबर 4 पर आता है, खालिस्तान उसे पुरानी बात याद आई, क्या बात याद आई? अचानक उसे पुरानी बातें याद आई। नंबर 5 पर आता है, बैंगन के ऊपर खालिस्तान बना होता है, क्या बना होता है? मुकुट। और मुकुट के कारण ही इस सब्जी को क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा कहा जाता है। अब नीचे हमारे आते हैं, देखो एक वचन से बहुवचन बनाना है हमें इन शब्दों को। सबसे पहले क्या दिया गया है? सब्जी। सब्जी का क्या आएगा? सब्जियाँ। रानी का? रानियाँ। देखो ऊपर जो पहले जिसमें है बड़ी की मात्रा लगाई गई है, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? छोटी की मात्रा हो जाएगी। ऐसे सब में होगा, भाभी का? भाभियाँ। कली का? कलियाँ। कहानी का? कहानियाँ। और नाली का? नालियाँ। देखो जब हम इनका एक वचन रूप को बोलते हैं तो इनको बोलते समय जो ई की मात्रा की जो आवाज़ है वो लंबी जाती है, जैसे कली, कहानी, नाली। लेकिन जब इनका बहुवचन बनाते हैं तो ई की मात्रा की आवाज़ क्या हो जाती है? छोटे, जैसे कलियाँ, कहानियाँ, नालियाँ। ठीक है, इसीलिए इस बात का याद रखना है कि बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अब नीचे है हमारा जो लिंग बदलाव होता है वो वाला है ये। सबसे पहले बादशाह का क्या दिया गया है? बेगम। पापा का क्या उल्टा क्या आएगा? मम्मी। ठीक है, नाना का उल्टा क्या आता है? नानी, या नाना का लिंग क्या होगा? नानी। चाचा का? चाची। राजा का? रानी। भाई का? बहन। दादा का? दादी। और मामा का? मामी। आज हमारा ये जो पाठ था ये समाप्त होता है। आप सभी बच्चे जो जितना भी ये काम कराया गया है, पढ़ाया गया है, उसको अपनी कॉपी में नोट करोगे और ठीक है, और होमवर्क होते ही होमवर्क जो आप करोगे उसकी फ़ोटो खींचकर सर के पास भेजोगे।